नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ धारी देवी टेम्पल। मैंने पहले भी ये दिखाया है लेकिन फिर से आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि हर बार जब भी हम लोग श्रीनगर आते हैं तो माता रानी के दर्शन करके ही जाते हैं। और साथ में मैं आप लोगों को आज एक और भी मंदिर दिखाने वाली हूँ, अपने कुलदेवी मंदिर आप लोगों को ले जाऊंगी। सो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, धारी देवी के दर्शन लेते हैं। सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्यारा सा नीचे लाल कलर का बटन होगा, खचक से दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। सो दोस्तों, ये है धारी देवी माँ का टेम्पल यानी कि मंदिर, और हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। सो आगे मेरी बहन आ रखी है, दुल्हनिया, और हमारी जीजू जी। चलो एंट्री मारो। जय माता दी। सो दोस्तों, ये है धारी देवी माँ का मंदिर और इसी के नीचे अलकनंदा नदी बहती है। सो हम लोग पहले यहाँ पे जाएंगे, हाथ मुंह धुलेंगे थोड़ा, तब हम माता जी के दर्शन करेंगे। सो चलते हैं नीचे, हमारी फैमिली भी नीचे है पूरी। दोस्तों अब मैं नदी में आ चुकी हूँ, थोड़ा सोची वो हाथ धुल लूँ। हाय, ठंडा पा रही है, बहुत ठंडा पा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम पैर धुल रहे हैं और हाथ धुलेंगे। नीचे से आए थे, थोड़ा मिट्टी मिट्टी सा हो गया। सो धुलते हैं। खींच ली फोटो, खींच ली। सो ये है यहाँ का पुल जो कि आप सामने देख रहे होंगे, ये धारी गांव है। इन्हीं के मतलब धारी गांव के नाम पे ही ये मंदिर का नाम रखा गया था, धारी देवी टेम्पल। और काफी गर्म हो रहा है यार, नंगे पैर हम लोग जल रहे हैं मेरे पैर। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग, हमारे पैर पहले जल चुके थे इसलिए हमने सोचा गले को थोड़ा ठंडा करते हैं। सो यहाँ पे माल्टे का जूस, बुरास का जूस और आंवले का जूस है। सो कितने का दोगे? 10 रुपए का। तो छोटू ने हवाले में 10 रुपए का लगा दिया लेकिन ये 20 रुपए का है। सो आप लोग डिस्काउंट मांगना, जब मेरा अगर वीडियो देखे कोई बोलेगा ना कि मेरा वीडियो देखा है तब बोला, हाँ तब डिस्काउंट जरूर दे देगा। चलो निकाल दो, एक आंवला निकालो पहले। शुक्रिया, मैं आमला। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। जय माँ गौरा देवी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपनी कुलदेवी मंदिर जो हमारे गांव में है। हम गवड़ा के हैं तो हमारी जो कुलदेवी है वो है हमारी गौरा देवी। तो हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं अभी दर्शन देने के लिए, और काफ़ी ऊपर जाना पड़ रहा है ये भाई। तो ये जो मंदिर है वो है देवलगढ़ में। मम्मी लोग सब लगे हुए हैं रास्ते, तो हम लोग भी जा रहे हैं, तो ऊपर पहुंचकर आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। दादी जय माता दी, जय माता की।
सो दोस्तों, ये है गौरा देवी का मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है। आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत पैर जल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। आय हाय हाय, तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन लेते हैं माता आखंड में, मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, हमने गौरा माता के दर्शन ले लिए बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ना अलग ही लाइक देख सकते हैं, पूरा पीछे इतना ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है। सामने हमारा जो गांव है गवड़ा, वो भी यहाँ से दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर है माता का, फिर एक और भी मंदिर है ऊपर। सो वहाँ आप लोगों को ले चलती हूँ। और अगर मेरा व्लॉग ये अभी तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। सो दोस्तों, जो ये आप सामने गांव देख रहे हैं वो है हमारा गवड़ा गांव, यानी कि मेरा ददिहाल साइड। यहाँ पर हमारा पहले गांव में घर था। सो यहाँ मतलब वहाँ से पैदल पूरे मम्मी लोग, हमारे जो भी दादा दादी थे और जो गांव के लोग होते थे, वो यहाँ दर्शन करने आते थे गौरा देवी मंदिर में। सो वो है हमारा गाँव और ये हमारी कुल देवी का मंदिर, गौरा देवी का मंदिर उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे। सो दोस्तों, अभी मुझे ऊपर जाना है मंदिर में और मैं थक गई यार, थक गई। सब लोग पहुंच गए लेकिन मैं थोड़ी पीछे थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और ये साथ बहुत भूल गई। बादलों के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। दर्शन हो गए राजराजेश्वरी माता जी। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि जो मंदिर की लोकेशन है ना, वो लाइक बहुत ही अच्छी जगह पे है, ऊंचाई पर है। और मेरा टीका बहुत बड़ा सा लग चुका है, एक के बाद एक टीका लगा। अभी मैं बैठी हुई हूँ, इधर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना पीछे के साइड, बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत सुंदर तरीके से इसे बनाया गया इस मंदिर को। मम्मी कह रही थी पहले जो था नीचे से आते थे, जो नीचे से कोई रास्ता था, लेकिन अब ये सीढ़ी पूरी बना दी गई है तो काफ़ी चेंज हो गया है। सो बस हमारे माता जी के दर्शन हो गए। मतलब हमारे जो हमने आज जितने भी मंदिर गए, वो ऐसा है कि हम लोग हमेशा जब भी कभी गांव आते हैं, मतलब घर आते हैं अपने, तो ज़रूर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है और बस खुशी होती है मंदिर आकर। सो यहाँ पीछे नज़ारा देख सकते हो, बहुत अच्छा है। सब यहाँ से निकलेंगे और सब लोग, आई थिंक सब लोग को भूख लग गई, तो जो फ्रूट्स ला रखे थे वो काटने लग गए। यहाँ पे पार्टी हो रही है अंगूरों की, हैं सब खाने के लिए ला रखे हैं। फल है बंदर, कोई नहीं उनको भी मिल जाएगा। बजरंग बली कहाँ पे, तू फेंक मत, आ जाएंगे और भी आ जाएंगे। जरा बाहर निकलने दे मम्मी, जरा देखो मैं कहाँ पे है बंदर, कहाँ है बंदर। ये वहाँ बैठा हुआ है, ओए फोन नहीं ले जा रहा रे, बहुत मुश्किल से मिला है। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है, टू 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 फोटोग्राफी हो रही है। सो दोस्तों, पहाड़ों की खास बात यही होती है कि आपको यहाँ पे ना कोई प्रॉप्स और लाइक पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए आर्टिफिशियल वाला, आपको यहाँ पर नेचुरल बैकग्राउंड मिल जाएगा। सो देख सकते हैं छोटी सी झोपड़पट्टी ना, वो बनी हुई है। और हमने यहाँ पे भी पहले बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई थी, बहुत मज़ा आती है। सो वो देख सकते कि वो है और एक ये है, और ये लोग आ चुके हैं फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, मुझे पता था।
सो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, नीचे प्यारे सा लाल कलर का बटन होगा से खचक से दबा दीजिएगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं अपनी फैमिली के साथ आई और सारे जो मंदिर थे उनके दर्शन किए। सो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खचक से दबा दीजिएगा, ठीक है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए।